सत्ता में कोई भी दल रहता है विकास करता है। भारतीय संविधान है, सेवा नियमावली है। अगर कोई अधिकारी लगातार अपनी सेवा का नियमावली का उल्लंघन करेगा तो फिर कैसे विकास का काम होगा, कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। विपक्षी दलों को कोई लोकलाज नहीं है क्योंकि उनका लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार है और 3.25 वर्ष से श्री अखिलेश यादव लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल भी लगातार असहयोग भी कर रहा है और विकास में रोड़ा भी बन रहा है। कोई भी अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो सेवा नियमावली का उल्लंघन करेगा, जन विरोधी आचरण करेगा या किसी भी स्तर पर उसका आचरण इस तरह का होगा कि वो लोकतंत्र के विरुद्ध होगा, संविधान के विरुद्ध होगा, समाजवादी सरकार है, बहुमत सरकार का है, कैसे ये हिम्मत कर सकता कोई अधिकारी कि वो सेवा नियमावली का उल्लंघन करे। आजकल कुछ अधिकारी सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं, कुछ अधिकारी कुछ भी मनमर्जी काम करते हैं, कोई विकास में सहयोग नहीं करते हैं, अपने दफ्तर का काम, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, तो क्या करेगी सरकार। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दल अपना ही दूसरा राग अलापते हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, लोकतांत्रिक नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। 50 साल से ज्यादा उनका जीवन लोगों को न्याय दिलाने में संघर्ष में बीता है। सबका सम्मान करते हैं, विपक्षी दलों का भी। कोई भी विपक्षी दल ये नहीं कह सकता कि श्री मुलायम सिंह यादव जी का आचरण कभी भी दुर्भावनापूर्ण हो, बदले की भावना से प्रेरित हो या किसी तरह का किसी का अपमान किया हो, लेकिन विपक्षी दलों को कोई इलाज नहीं, कोई संकोच नहीं। श्री मुलायम सिंह यादव के बारे में किस तरह की टिप्पणी की और क्या किया उन्होंने, नेताजी ने सिर्फ इतना कहा कि सुधरो, काम करो, क्या इसमें है। कोई आम नागरिक भी कह सकता है ये बात, वो तो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, क्यों नहीं कह सकता। सरकार से कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से कह सकते हैं कि काम करिए, सुधार करिए प्रशासन में और शासन में। तो फिर ये क्या बात हुई, किस तरह की भाषा बोलते हैं विपक्षी दल।